सूरजपुर और कीरतपुर जैसे कई क्षेत्रों में घर पानी में बह गए, लोग बेघर हो गए। देखे पूर्व विधायक ने क्या कहा। कालका से पूर्व विधायक और भाजपा महिला राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लतिका शर्मा बाढ़ के कारण विस्थापित हुए लोगों से मिलने पहुंची। उनके द्वारा सभी को आश्वासन दिया गया कि प्रशासन द्वारा उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। इसके अलावा पूर्व विधायक लतिका शर्मा द्वारा पत्रकारों से बात करते हुए बताया, यहां पर सूरजपुर लेबर कॉलोनी और पिंजौर में जो बाढ़ के कारण विस्थापित हुए हैं, उन सभी लोगों को देर रात पिंजौर की सेब मार्केट में लाया गया और इनके लिए खाने पीने और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ इनका जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार द्वारा भरपाई के लिए वो कोशिश करेंगी। इसके अलावा कल जो अमरावती में पुल गिरा है उसके लिए उनके द्वारा DLF और अमरावती प्रशासन को कहा गया है कि वह आए और देखें कि यह क्या व्यवस्था है। मेरा नाम कुशल है। कौन सी कॉलोनी से आए वाले आप? ये लेबर बस्ती से जी। हमारे मकान अट गए। कितने मकान थे वहाँ पर? मेरे दो मकान थे जी। अभी बनाए? अभी बनाए थे और अभी बनाए और मतलब सामान भी उसमें पड़ा था जिसमें सीमेंट के कट्टे भी थे वो सब बह चुके। गाटर थे, गाटर रखे थे वो भी बह चुके अभी। अब उसमें कुछ नहीं बचा। तो अपने परिवार को लेकर कब पहुँचे आप? परिवार को लेकर आप पहुँचे हैं तो सामान कितना बचा पाए? कुछ बचा पाए? नहीं जी, मेरा सामान कोई नहीं बचा जी। इसमें एक भी सामान कुछ नहीं बचा। तो घर पूरी तरह तबाह हो गया? तबाह हो गया, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल मैदान हो गया। तो प्रशासन ने यहाँ पे कोई सुविधाएं दी आपको? अभी तक तो जी कुछ नहीं आया, खाना आया और कुछ नहीं आया। खाना वगैरह आया है और वो प्रशासन की तरफ से किसी तरफ से अभी पता नहीं है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।